सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के सदस्यों को लेकर लगातार पूरे देश भर में उनके फैंस उनके सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन बीते शनिवार के दिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दूसरे ही दिन ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनिवार की रात अमिताभ बच्चन को हल्के बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते नानावती अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। जैसे ही ये खबरें सामने आईं, तो फैंस को बड़ा झटका लगा। हर कोई बच्चन परिवार की सलामती की दुआएं मांग रहा है। मंदिरों में उनके फैंस लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और पूजा पाठ करवाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन को लेकर बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के हाथ में ऐसी कई फिल्में हैं, उनके ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बीच में रुक सकते हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से उनके फैंस को बड़ा झटका तो लगा है, लेकिन साथ ही साथ उनके कई प्रोजेक्ट्स भी बीच में रुक गए हैं। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ, इसी साल करोड़पति का 12वां सीजन टेलीकास्ट होना था, लेकिन अमिताभ बच्चन की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की वजह से अब इस शो के 12वें सीजन पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसे में केबीसी के तय समय पर शुरू होने पर संशय बन चुका है। जहाँ एक ओर कोरोना वायरस के चलते शूटिंग के नियमों के अनुसार फिल्मों और सीरियल्स के सेट पर 65 साल से अधिक के कलाकारों को बुलाना और जाना सख्त मना है, ऐसे में केबीसी की शूटिंग कैसे पूरी होगी। जहां एक ओर अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं उनकी उम्र है 77 साल। ऐसे में कोरोना से जंग जीतने के बाद भी अमिताभ बच्चन को काफी वक्त तक घर में ही रहना होगा। वहीं खबरों के मुताबिक सामने आया है कि केबीसी की प्रक्रिया भला कैसे पूरा होगी। ऐसे में अमिताभ के बिना कौन बनेगा करोड़पति फैंस को अधूरा लगता है। वहीं मेकर्स को कोई रास्ता निकालना होगा इस शो के लिए। अमिताभ बच्चन ने इस शो के अब तक 10 सीजन होस्ट किए हैं। हर बार की तरह इस बार भी अमिताभ बच्चन इस शो को होस्ट करने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते अब इस सीजन पर संकट के बादल गहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूरा देश ही अमिताभ बच्चन की सलामती की दुआएं मांग रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।